दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 4 गेंदें 24 रन आयरलैंड के खिलाफ ही दम तोड़ गई थी टीम इंडिया, टूट गया था हिंदुस्तान। लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल छे ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया हाहाकार। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया T20 क्रिकेट इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और हार्दिक मिलकर दिलावाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने आयरलैंड की उड़ाई धजिया? प्रैक्टिस मैच में आयरलैंड के दिए गए 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का बिगुल बजने से पहले अंतिम चरण में टीम इंडिया और आयरलैंड की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस मुकाबले में एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। न्यूयॉर्क का नशाऊ क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर उन्होंने आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लेकिन कमजोर मानी जाने वाली ये टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए पॉल स्टर्लिंग ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात ये थी कि रोहित के तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने आयरलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर आयरलैंड की कमर तोड़ दी थी। भले ही आयरलैंड ने 6 ओवर में 59 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी हैरी ट्रैक्टर। इस खूंखार खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धजिया उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप और अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए ट्रैक्टर ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने आयरलैंड की पारी को 20 ओवरों में 222 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही थी टीम इंडिया, अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। और IPL के बाद अब T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा आयरलैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हेचमैन ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गर्जा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुँचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गयी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है आयरलैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है IPL में जलवा बिखेरने वाले जोशुआ लिटिल का जादू। जिस तरीके से उन्होंने IPL में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में देखने को मिला। जी हां दोस्तों, लिटिल ने आते ही ऐसा तांडव मचाया कि लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी, तो फिर अगली ही गेंद पर सूर्या को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। यशस्वी 27 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, वो तो खाता भी खोलने का मौका उनको नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। आयरलैंड मैच में वापसी कर चुकी थी। अब मैदान पर पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने मार्क एटायर की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर आयरलैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित शर्मा बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना हिटमैन अवतार दिखाते हुए केवल 56 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। वो भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही देखते बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप और IPL की
कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही आयरलैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चले गए। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ इन फॉर्म हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। आयरलैंड मैच में आगे नजर आ रही थी। 18वां ओवर लेकर आए थे आयरलैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल, लेकिन इस बार हार्दिक ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के जड़ते हुए पांड्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्क एडवार ने केवल 6 रन ही दिए थे। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक बार फिर आयरलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद जोशुआ लिटिल के कंधों पर ये जिम्मेदारी आ चुकी थी और पहले ही गेंद पर हार्दिक उनके बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर वो बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए थे और ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के हाथ से ये मैच निकल गया, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब सिर्फ कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। आयरलैंड को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर लिटिल ने चालाकी दिखाते हुए स्लोअर बॉल डाली और यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मेडॉन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया, देखकर गेंदबाज के पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोककर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने लगातार दूसरे मैच में अपना दूसरा अर्धशतक केवल 26 गेंदों में पूरा कर लिया। अब 2 गेंदों में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए जोशुआ लिटिल ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर आयरलैंड के पसीने छुड़ा दिए। 3 गेंदों पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जिंदा कर दी और अंतिम गेंद पर केवल वो 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिलाएंगे। आपको बता दें, लिटिल ने इस विकेट पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि आयरलैंड जीत गया, लेकिन फिर पंत ने बल्ले से बिजली कोंधाई और अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मेडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चला गया पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत ऋषभ पंत ने अमेरिका की धरती पर इस दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि आयरलैंड की उम्मीदों को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां आयरिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे, और आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंदों पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए ही आई है और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया अभ्यास मैच में भारतीय टीम को 62 रन से जीत मिली है। हालांकि इस मैच के अंदर एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल इस मैच के अंदर जब भारतीय टीम लक्ष्य का बचाव कर रही थी तो बीच मैदान पर एक भारतीय प्रशंसक रोहित शर्मा से मिलने के लिए आया और रोहित शर्मा को गले लगा लिया, लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क की पुलिस ने प्रशासक को बुरे तरीके से पकड़ा और गलत तरीके से ट्रीट करते हुए मैदान से बाहर ले गए। इसके बाद उस प्रशंसक के ऊपर से 10 लाख का जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया। हालांकि जब पुलिस काफी बुरे तरीके से फैन के साथ व्यवहार कर रही थी तो रोहित शर्मा ने उन्हें समर्थन का बचाव किया और पुलिस को बचाया। ऐसे मैच के समाप्त होने के बाद रोहित शर्मा के समर्थक मीडिया के सामने खड़े होकर दुलासा करते हुए रोहित शर्मा को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें रोहित शर्मा के समर्थक ने बयान देते हुए कहा कि आज भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ मैच देखने के लिए मैं आया था। आज भारतीय टीम को जीत मिली है जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी इच्छा पूरी थी कि आज भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात करूँ क्योंकि मैं रोहित शर्मा का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। हालांकि मुझको मालूम था कि आज इस मैदान पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके की रहने वाली है, लेकिन मेरा भी मैदान रोहित शर्मा से मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन था जिसको मेरा रोकने का काम नहीं किया और रोहित शर्मा से मिलने के लिए पहुंच गया। हालांकि मुझे इस तरह गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भावना में बह गया और रोहित शर्मा से मिलने के लिए पहुंच गया, परंतु जिस प्रकार से रोहित शर्मा से मिलने के बाद मुझे शांति मिली उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बीच मेरे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत भी पैदा रोहित शर्मा से मिलने के बाद हो गई थी।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा से मिलने के बाद पुलिस ने मुझे बुरे तरीके से पकड़ा, लेकिन रोहित शर्मा ने मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं रोहित शर्मा का धन्यवाद कहता हूँ। हालांकि रोहित शर्मा ने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक और बड़ा काम किया, जिसको मैंने सिक्योरिटी को तोड़ा था, उसके कारण मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा।